गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राजलक्ष्मी अग्रवाल। यार, आज की वीडियो एकदम अलग और मस्त मस्त होने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ और भी अलग करूं। और आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है हिंदी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम यूनिक और अलग सा ग्रूम और ब्राइड का सेट, क्योंकि शादी की सीज़न आ रही है एंड वाई नॉट। तो मैंने यूज़ किया है फेविक्रिल मोल्डेड क्ले, जिसे मैं इक्वली मिक्स करती हूँ और अब उसे बेल रही हूँ एक रोलर पिन की हेल्प से। और मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा क्ले स्टिक ना हो। जब अपने मन की थिकनेस मिल जाए तो मैं एक राउंड शेप को कट कर लूँगी। अब घर पे यार कप थी तो मैंने उस कप से ही यूज़ कर लिया। आप यार साथ साथ में मेरे डिज़ाइन देखते जाओ, मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। मैं सारे एजेस को स्मूथ कर रही हूँ ताकि सूखने के बाद मुझे उसे सैंड पेपर से स्मूथ ना करना पड़े। तो सब कुछ हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे एक क्ले बॉल को पतला पतला शेप दे दूंगी और फिर उसे लंबा कर दूंगी इनफ रहे। मुझे इससे नॉटेड डिज़ाइन बनाना है। मैं ये कहीं से कॉपी नहीं की हूँ, ये फुल्ली मेरी डिज़ाइन थे। तो यार होपफुली आपको पसंद आए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में। मैंने बस एक ट्राई किया है कि आप लोग को कौन सा बेटर समझ में आए, बेटर कन्वीनियंट रहे। तो जब ये डिज़ायर्ड लेंथ हो जाएगा तो मैं उसे कट कर दूंगी और फिर उसे ऐसे रोल करके एक ब्रेडेड शेप दे दूंगी, जैसे हमारी चोटी होती है बस वैसे ही। उसके बाद मैं ब्रेडेड नॉट को चारों तरफ स्टिक कर दूंगी और कुछ ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी। फिर मैं इसके उल्टे तरफ, क्योंकि ये ब्रोच है, एक सेफ्टी पिन लगाऊंगी ताकि वो अपने ड्रेस में कोई भी लगा सके। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है एंड मैं इसे सूखने दे दूंगी 3 to 4 hours के लिए। मैंने ये चार डिज़ाइन बनाई थी तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गई है एंड पीछे से भी स्मूथ है। इसमें से 3 पीस मेरी अच्छी बनी है एंड 1 पीस को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं बनी और उतनी स्मूथ और प्लेन नहीं बनी, पीछे से भी ख़राब हो गई थी। तो हाँ यार, ऐसे भी करना पड़ता है बहुत बार। अब मैं इन्हें पेंट करना शुरू करूँगी। पहले मैं वाइट कोट कर दे रही हूँ ताकि मेरे कलर्स, मैंने कलर्स चूज़ किया है पिंक, पेस्टल पिंक एंड पेस्टल ग्रीन, तो वो कलर्स अच्छे से इन पे चढ़े एंड उभर के आए। तो ये करने के बाद जब वाइट कोट हो गया एंड वो सूख गया तो मैं पिंक और ग्रीन का अब कलर कर दूँगी दोनों पे। मैं इसे एक ट्विनिंग कॉम्बो रख रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और जैसे ग्रूम और ब्राइड का जो ड्रेस का सेट है, जो कलर है, मान लीजिए क्रीम है एंड मरून है, ये कॉम्बो है, तो आप मुझे वो बता सकते हो, मैं उस सेट का कलर का कॉम्बो का बना सकती हूँ। सो ये फ़ायदा होता है किसी भी कस्टमाइज स्टोर से, किसी भी हैंडमेड स्टोर से ऑर्डर करने का। तो जब ये सूख जाती है दोनों तरफ से पूरी कंप्लीट, तो अब मैं इसमें डिज़ाइन करना शुरू कर दूँगी। मैं इसमें लीफ का डिज़ाइन दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत पीसफुल लगता है मुझे। और इसमें छोटे छोटे जो डिटेल्स रहेंगे सारे मैं दूँगी। पिंक वाला मैंने ब्राइड के लिए रखा है एंड ग्रीन वाला मैंने ग्रूम के लिए रखा है। अब मैं इसमें पेंट ब्रश की हेल्प से ब्राइड लिख दूंगी। सिमिलरली आई डू द सेम विद द ग्रूम। तो मेरी डिज़ाइन इधर कंप्लीट होती है। आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट मुझे मन था कि मैं इसे और डेकोरेट करूं, तो मैंने इसे मोती और 3D लाइनर की हेल्प से और एनहांस किया है।
और यार कोई लोग बोलेंगे कि यार ये मोती गिरने का डर हो सकता है, तो मैं वो भी दिखा दूंगी कि यार ऐसा नहीं है, वो स्टिक इतने अच्छे से मैंने किया कि वो उतरेंगे नहीं इतने फोर्स से कि जो नॉर्मली किसी को फोर्स से उतर सकता है मोती, वो नहीं उतरेगा। अब हाँ आप नोच दोगे तो वो अलग बात हो जाती है, वो ऑब्वियसली कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि यार इतने मेहनत से आप खरीदते हो, मैं बनाती हूँ तो यार वो कोई नहीं करता। बट हाँ एक मिनिमम फोर्स जिससे ये उतर सके वो नहीं होगा। तो आज की वीडियो इधर ही फिनिश होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये आइडिया और मेरा हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सी यू सून इन अ ब्रांड न्यू वीडियो, टिल देन बाय।